साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 22 के सकरूगढ़ मोहल्ले में एक बंद घर और दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि रोहित इंटरप्राइजेज जो कि अपने ही घर में दुकान चला रहा था, जिसमें कि डीजे का सारा सामान, फोटो स्टेट, स्टेशनरी समेत जनरल स्टोर का दुकान चलाता था। बीते सोमवार की रात करीब 8:30 बजे बिजली की शॉर्ट सर्किट लगने से आग लग गई, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं मकान मालिक रोहित कुमार ने बताया कि मैं किसी तरह से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से काम कर मैं एक दुकान चला रहा था। वहीं बताया कि मेरी पत्नी बच्चे का मुंडन करवाने के लिए मायके गई हुई थी और मैं भी कुछ देर के लिए बाजार गया हुआ था, उसी बीच आग लग गई और फोन पर सूचना मिलते ही भागते भागते घर पहुंचे। कहा कि हाल ही में डीजे का सारा सामान जिसे बैंक से लोन लेकर खरीदा था वह भी जलकर राख हो गया। बताइए। मैं रोहित कुमार शाह, मेरा घर जयप्रकाश चौक सकरोगढ़ में है और मेरा सकरोगढ़ में एक दुकान भी है रोहित इंटरप्राइजेस के नाम से, और यह दुकान में बहुत सारा काम होता है और काम में जो है कि बैंक से लोन लिया हुआ है, करीब बंधन बैंक से है लोन, आरोहन बैंक से है और बजाज फाइनेंस से लोन है, तीनों बैंक का लोन है और लोन से ही हम लोग काम करते हैं, प्लस जो है कि किसी आदमी से भी लिया हुआ है 2-3 लाख रुपया और जो है कि लेके हम लोग काम करते हैं। और कल हमको सूचना मिला था कि ऐसा आधा घंटा के लिए हम बाहर गए थे मार्केट और आए तो मालूम चला कि जो है कि घर में आग लग गया, दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा मतलब सब कुछ जल गया और काफ़ी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, सकरोगढ़ मोहल्ला के मतलब जिरवाबाड़ी के लोग आए थे आग बुझाने के लिए, और आग बुझाने के दरमियान में जो है कि पूरा जो है कि सब ऑल बॉल पूरा था, कोई कुछ मतलब जो है कि अफा तफी मचा हुआ था हर तरफ। कितना का लगभग नुकसान हुआ? लगभग तो जो हम लोग काम करते हैं मार्केट में होलसेलिंग भी हम करते थे रोहित इंटरप्राइजेस के नाम से, ये दुकान का मेरा ट्रेड लाइसेंस भी है और बिजली बिल भी सीएस चलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दुकान था मेरा और जो है कि वही 10 के लमसम में क्या है कि जो है सब मिला के 6 लाख रुपये का तो लोन ही चला रहे हैं सब मिला के, तो अपना भी कुछ था ये सब तो मार्केट का, महाजन का भी, नवीन भगत का है, लेज कंपनी वाला का है, सबका है, तब सब काम हम करते थे, फिर और भी बहुत सारा महाजन का पैसा है, प्रमोद कंपनी का है, सब हमको मार्केट में 6 दिन 6 कंपनी का मतलब हम हौसली करते थे भी, ये सब का भी सामान था। वही डीजे के साथ साथ फोटो स्टेट मशीन, जनरल स्टोर एवं स्टेशनरी का सारा सामान के साथ साथ घर का फ्रिज, टीवी, अलमारी भी जलकर राख हो गया। प्रतिमा कुमारी है, मेरे पति का नाम रोहित कुमार शाह है और वो ना मतलब कि लोन पर पैसा उठाए हैं और डीजे वगैरह का सामान वगैरह लाए हैं और हम ना अपने मतलब बच्चे लोग को मुंडन कराने के लिए अपना मायके गए थे, तो कल हमें फोन पर सूचना मिली कि मेरे घर में आग लग गई है, तो आज जब हम यहाँ पे आए हैं तो मेरे घर का सारा सामान कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ तक कि फ्रिज जो है ब्लास्ट कर गया, वॉशिंग मशीन था वो भी चला गया, टीवी चला गया है और मेरा मशीन था सिलाई मशीन वो भी चला गया, यानी कि घर का सारा सामान जो है ना चला गया है और पूरा घर का जो दीवार है ना पूरा आग से ना पूरा मतलब कि पूरा राख है, घर का कोई भी सामान नहीं बचा है, सब जला, मेरा सारा कपड़ा रहता, साड़ी वगैरह था, मेरा जेवर कुछ था, सब जला, सामान जो जला ना इसके कारण से वो सामान सब फेंक दिए हैं, मेरा जेवर भी सारा चला गया है, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा, ना तो पहनने के लिए साड़ी भी बचा है, सारा सामान चला गया, ना मेरा बच्चा का कपड़ा बचा, ना मेरा कपड़ा बचा, ना मेरे हस्बैंड का, किसी का भी कपड़ा नहीं। वही मौके पर वार्ड पार्षद के पति सुरेंद्र यादव पहुँच कर मदद का आश्वासन दिए हैं।